गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू योर सेशन। ये चौथे सेशन में आपका स्वागत करती हूँ रेगी के। और हाउ इज द जोश टुडे, कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड। आप लोग इतने एनर्जेटिक और इतने जोश से भरे होते हैं, मजा आता है क्लास लेने में। तो कल की बातें करते हैं, शेयरिंग करते हैं कि कल की क्लास में कैसा रहा आपका। चक्र ध्यान आप लोगों ने दोबारा करा, क्या क्या अनुभव रहे बताइए। धर्मेंद्र जी बताइए। मैम, काफी अच्छा अनुभव रहा मेरा। कल आपको दिक्कत तो नहीं हुई जो हो रही थी? हुई लेकिन कम हुई। वेरी गुड। और जब रात को मेडिटेशन किया था तो मेरे को नींद भी थोड़ी अच्छी आई। ओहो वंडरफुल, क्या बात है, ये आपने अच्छी न्यूज़। मेरे को आपकी चिंता हो रही थी कि आपको कुछ बेनिफिट मिले। तो और बताइए, और किस किस ने रात को प्रैक्टिस करा, क्या क्या कॉज करा, बताइए बताइए ज्योति जी। मैम, मैंने रात को भी किया था जी और कल आपने जो करवाया ना उसमें वाइब्रेशन जबरदस्त थे, बहुत ही वाइब्रेशन लग रहे थे और सहस्त्र पर तो ऐसा लगता था कि पूरा फ्लो ही आ रहा है। अच्छा वाह, लगा और पूरे दिन इतना अच्छा लगा, एकदम शांत और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी एनर्जी ऐसा पूरी बॉडी में एनर्जी भर गई है ना, ऐसा लगा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा करवाया आपने। वंडरफुल। और कोई, आप लोग जब अपना वीडियो ऑन करते हैं ना तो बहुत कलरफुल लगता है और बहुत अच्छा लगता है, और नहीं तो ऐसे लगता है दीवारों से बात कर रही हूँ मैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को ऑन करें, तो मज़ा आता है आप लोगों से कनेक्ट होने में, आप लोगों से बातें करने में, आप लोग से, मेरे को लगता है मैं लाइव ऑडियंस से बात कर रही हूँ, दीवारों से बात नहीं कर रही हूँ। तो और आप लोगों की जो स्माइल होती है, चेहरे पे एक्सप्रेशन होता है खुशी का, तो वो मेरा पूरा दिन वो खुशी मेरे साथ रहती है कि इतने सारे लोग अपने जीवन में कुछ कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो मज़ा आता है। सरला जी, लक्ष्य जी, डेल्सी, नीरा, ये कोई और लक्ष्य है, लक्ष्य आप नहीं हो लक्ष्य। लक्ष्य मेरे कुलीग हैं, बच्चा है ये, तो ये टेक्निकल सपोर्ट देता है, तो इनको तो ऑफ वीडियो रहना ही है। पिंकी जी, तो प्लीज़ नीरा जी, कुछ लोग जो ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि जितना आप शेयर करोगे ना उससे आपको फ़ायदा होगा। तो जो अब तक हमने करा है, हमें पूरा ये लगभग आज 10 तारीख हो गई है, तो हमने 9 दिनों में क्या क्या कॉज करा अपनी लाइफ में, मतलब आप लोगों ने क्या क्या चेंजेस कॉज करे हैं लाइफ में, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके, क्या बदलाव आ रहे हैं, ये सुनना चाहती हूँ आप लोगों से। कुछ बदलाव आ रहे हैं या नहीं, कुछ फायदा हो रहा है या नहीं, पहले तो ये बताइए, जीवन में बदलाव हो रहे हैं या नहीं, मेंटल, इमोशनल, रिलैक्सेशन, हैप्पीनेस आ रही है या नहीं आ रही है? वेरी गुड। एक दो लोग ही बताते हैं, बाकी लोगों को नहीं मजा आ रहा लगता है, बाकी लोगों को मैं वैल्यू नहीं दे पा रही हूँ। देखिए, मेरे को भी एनकरेजमेंट मिलेगी, मेरे को भी लगेगा कि मैं वैल्यू दे पा रही हूँ अगर आप शेयर करेंगे। जिन लोगों ने नहीं शेयर किया, मैं चाहती हूँ वो लोग शेयर करें, क्योंकि ये सेफ प्लेस है, सबको लाइफ में वो सब चीज़ें हो रही हैं, आप लोग शेयर करेंगे तो दूसरों को भी फायदा होगा आपकी शेयरिंग से। तो नए लोगों से दरखास्त है कि वो लोग आए, प्रतिभा जी, सरला जी, आप लोग, वृंदा जी, शेयर करें, बताइए लाइफ में क्या चेंज हो रहा है, आपके आसपास रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन शेयर करेगा? वीडियो परसों तो आपसे कोई नहीं शेयर करेगा, तो मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगी, देख लो आप। हाँ जी सोनाली जी बोलिए। मैंने अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन किया है और बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ और किसी के इतना बोलने का मुझे अभी इफेक्ट नहीं होता है। ये सब आप इन्हीं दौरान 9 दिनों में कॉज करा है? वेरी गुड, वंडरफुल। हाँ जी कोकिला जी। हाँ, मैंने भी रात को किया था मेडिटेशन। जी 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 बताइए। आपने बताया था वो किया था, अच्छा रहा। हाँ हाँ, नींद अच्छी आई उससे, आपको अच्छा लगा? हाँ। तो आप, किसी को चक्रा के कलर्स नजर आए? हाँ आपको कलर नजर आए चक्रा के?
क्या कौन सा कलर नजर आए चक्रा के? वो मूलाधार में रेड कलर, उसमें केसरी कलर, मणिपुर में पीला कलर, और अनासक्त में ग्रीन कलर। अच्छा। और वो आज्ञा चक्र में वायोलेट कलर। वेरी गुड। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग। आज अब हम आज करेंगे अट्यूनमेंट। तो कल हमने चक्रों की बात करी थी। तो चक्र जो है हमारी बॉडी का एक पैसेज है, जैसे ऊपर से दिव्य ऊर्जा आती है और वो हमारे हृदय चक्र पे होते हुए हमारे दोनों हाथों से फ्लो करती है। तो कल हमने इस जो हमारा पैनल है, जो हमारा एक तरह से पाइपलाइन है ऊर्जा का, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो हमारा रीढ़ की हड्डी है, वो जो है पाइप की तरह से काम करता है ऊर्जा का, ऊर्जा का वो स्रोत है। और रेकी जो दिव्य ऊर्जा है वो हमारे क्राउन चक्र से होते हुए हमारे हर चक्र पे आती है। क्राउन चक्र पे आएगी, थर्ड आई चक्र पे आएगी, थ्रोट चक्र पे आएगी और हृदय चक्र पे आके फिर हमारे हाथों से वो पास ऑन होती है। तो आज हम हीलिंग करना सीखेंगे और जो दिव्य ऊर्जा है उसकी अट्यूनमेंट लेंगे। तो अट्यूनमेंट प्रोसेस क्या होता है, किसी को पता है? कोई बता सकता है अट्यूनमेंट प्रोसेस क्या होता है? हाँ जी सोनाली जी बताइए, अनम्यूट करिए अपने आप को। शक्तिपात होता है जो यूनिवर्स से एनर्जी ड्रॉ करता है। हाँ, और हमारे अंदर वो एनर्जी आती है, उसको हम दूसरों को दे सकते हैं और उससे दूसरों को भी हीलिंग होता है और अपनों खुद को भी हीलिंग होता है। बिल्कुल दोनों का। बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो अट्यूनमेंट का प्रोसेस जो होता है उसे हिंदी में शक्तिपात कहते हैं और ये एक रेकी मास्टर ही शक्तिपात दूसरे का कर सकता है, लोगों का कर सकता है। तो शक्तिपात की क्रिया में ये इस तरह से समझिए कि आपने एक इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा लिया है, बिजली का मीटर होता है ना सबके पास, अपन के पास, कोई बिजली चोरी नहीं करता, मीटर लगा देते हैं वो लोग। तो मीटर लगाने के बाद तारों से आपका जो स्विच ऑन करता है, जब आप स्विच ऑन करते हो तो बिजली जलती है। कई ऐसे स्विच होते हैं जिनको हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, ऐसा होता है ना कि कम से कम 100-200 स्विचेज होंगे, हर स्विच तो यूज करते नहीं है। जो स्विच यूज करते हैं उसे एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो करती है। ट्यूबलाइट जलाई तो ट्यूबलाइट में आपका लाइट जल जाता है। इसी तरह से जब हम शक्तिपात होता है तो हमारे हाथों में एक तरह से समझिए बिजली का मीटर हम ले रहे हैं, एनर्जी का मीटर कह सकते हैं, एनर्जी का मीटर हमने अपने हाथों में ले लिया। और जब हम यूज करेंगे तो एनर्जी फ्लो करेगी, ये इलेक्ट्रिसिटी, ये हम कहेंगे दिव्य ऊर्जा फ्लो करेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी की जगह दिव्य ऊर्जा फ्लो करेगी। अगर हम यूज नहीं करेंगे तो वो अपने आप स्विच ऑफ हो जाती है। तो अपने हाथ में है। आगे मैं चर्चा करूंगी जब हम अट्यूनमेंट करेंगे तो 7 डेज का आज हम सेल्फ हीलिंग करेंगे। पहले हम चक्रा की हीलिंग करेंगे, फिर अगर टाइम बचा तो फुल बॉडी हीलिंग करेंगे। तो ये करना है हमने तो अट्यूनमेंट प्रोसेस में आप लोग सीधा बैठ जाएंगे। वेलकम बैक। तो बताइए कैसा अनुभव रहा, क्या फील कर रहे हैं बॉडी में, हाथों में, मन में? कौन शेयर करेगा? नए लोग शेयर करें, पुराने भी कर सकते हैं, नए लोग भी शेयर करें। हाँ जी नीरा जी। मैम अभी भी ना दोनों हाथों के बीच में से इतनी गर्माहट आ रही है मेरी, बहुत ज्यादा। हाँ जी। और ऐसे जो आपने बोला था लाइट वाला, सारी चक्रा से निकल के जैसे पूरी एक सीधी एक लेन लेन बनती है ना, ऐसी लेन बन गई है हार्ट का, व्हाइट पूरा चार्ज हो रहा था। उसके बाद जब दोनों हाथों पे मैंने दोनों शोल्डर से अपने दोनों पाम पे लेकर गई, अभी तक मेरी हाथों में ना ऐसे ऐसे हम लो लेते हैं ना पूजा की बत्ती की तरह से, वैसे गर्माहट आ रही है दोनों हाथों। वंडरफुल, ऑसम नीरा जी, ऑसम।
आईज क्लोज नहीं कर रहा मैडम, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है. वंडरफुल नीरा जी, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग. तृप्ति जी. हेलो मैम. हेलो तृप्ति. तो अच्छा फील हो रहा है, और जैसे थर्ड आई चक्र पे आया तो ये पार्ट में बहुत जैसे खुजली होती है वैसा फील हुआ. सेंसेशंस वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हुए यहाँ पे. और बॉडी में कहीं वार्म्थ रिलैक्सेशन क्या फील नहीं, नॉर्मल बाकी तो, बट रिलैक्स्ड फील लगा. और ऐसे हिलने की मैं बहुत, मतलब मेडिटेट करने के वक्त भी बहुत हिलती रहती हूँ, ऐसे लगता है कहीं हिलू थोड़ा, इधर हाथ घुमाऊ, वैसा नहीं हुआ मुझे अभी. ओके गुड, वंडरफुल, थैंक यू. वंडरफुल. नमस्ते मैम, श्रुति हियर. कौन है? श्रुति. श्रुति भट्ट. हाँ जी. या मैम, एक्चुअली जैसे अभी कर रहे थे कल तो मुझे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा था उतना, लेकिन आज लाइक काफी अच्छा था. और हाथों में मुझे वार्मनेस वगैरह तो कुछ नहीं आई, लेकिन एक जैसे कह रहे थे ना वो इचिनेस या वाइब्रेशन जैसा है, वो वेरी फील हुआ. स्टार्टिंग में जैसे एनर्जी फ्लो नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहा है एनर्जी अंदर आने के लिए. तो एक होता है ना जैसे फोर्स में जैसे अपन आप पुश करते हो, तो कुछ ऐसे जैसे फील आ रहा था वैसा, जैसे आप लाइट एनर्जी घुसने की कोशिश कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है, कभी इस वॉल से कभी इस वॉल से, ऐसे ऐसा फील आ रहा था मुझे. लेकिन जब एक बार क्राउन चक्र पे हुआ ना, तो देन फिर थोड़ा फ्लो अच्छे से हो गया. क्राउन चक्र तक थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे एनर्जी आ ही नहीं रही है मेरे अंदर, व्हाइट लाइट फील ही नहीं हो रहा है मुझको. लेकिन जैसे ही वो फोर्स जैसे मैंने अपने आप को नहीं आई डू ऐसा करके किया, वैसे नहीं आया, तो जनरली होता है लेकिन नहीं हुआ. इट इज ओके, किसी को वार्म्थ किसी को इचिंग, तो प्लीज अपना वो कर दीजिए ऑडियो, जो आवाजें आ रही हैं. और कौन शेयर करना चाहेगा? मैम मैं ध्वनि बोल रही हूँ. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ध्वनि जी. कहाँ पर है, मेरे को दिखाई नहीं दे रही. हाँ जी ध्वनि, ध्वनि जी अभी पहली बार शेयरिंग कर रही है? नो मैम नो. अच्छा पहले आप कर चुकी हैं. हाँ मैम जी. मुझे दोनों हाथों अपना, सॉरी एक ना टोकूंगी, आप अपना वीडियो ऑन रखा करिए ना, क्योंकि मैं सबकी शक्लें देखती रहती हूँ. आप शायद वीडियो ऑफ. अच्छा ऑन. ओके ओके ठीक है. मेरे दोनों हाथ बहुत हैवी फील हो रहा था मुझे, और मेरे पैर में बहुत कोल्ड फील हो रहा था, और बहुत ब्लैंक हो गई थी मैं, टोटली ब्लैंक. मुझे कुछ कुछ भी विचार नहीं आ रहे थे उस टाइम. तो ये ब्लैंकनेस तो बहुत अच्छी है, माइंड तो चलता ही रहता है हर समय, तो आपको ब्लैंकनेस हुई है, तो ये तो पूरा मेडिटेशन हो गया आपका. जिसको ब्लैंकनेस हो जाए उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है. अभी बॉडी में कैसा फील हो रहा है? अभी अभी रिलैक्स हूँ, अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे पैर अभी भी बहुत ठंडे है. ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू. और कोई शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस? हेलो मैम. हेलो मित्तल हियर. मित्तल. मित्तल जी बताइए. हाँ मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ. इनके लिए तालियां, जो लोग पहली बार शेयर करेंगे उनके लिए तालियां, क्योंकि वो करेज शो कर रहे हैं, धीरे धीरे ओपन अप हो रहे हैं. सो सो ब्यूटीफुल. आप वीडियो पे आ सकती है मित्तल जी? या श्योरली मैम. हाँ तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब व्हाइट लाइट पास हो रहा था बॉडी में, हम आपको तो देख नहीं पा रहे मित्तल जी, मैं आपका वीडियो नहीं देख पा रही. अभी आ रहा है मैम? मुझे तो नहीं आ रहा. ओके कोई दिक्कत हो रही है मैम? एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है मैम, मुझसे नहीं हो रहा है कनेक्ट. ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप शेयर करिए, आप शेयर करिए मित्तल जी. या मैं ये शेयर करना चाहती हूँ मैम आपसे कि वो वाइट रेज जो है वो क्राउन चक्रा से लेके मेरे थ्रोट चक्रा तक जब आया, तो थ्रोट चक्रा में थोड़ा सा ऐसा लगा कि चोकअप हो रहा है, मुझे इरिटेशन हो रहा है, और थोड़ा भारीपन महसूस हो रहा है, जिससे मैं कुछ बोलना चाहती हूँ बोल नहीं पा रही हूँ. और फिर जैसे ही हार्ट चक्रा में पास ऑन हुआ, मेरा थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट होते हुए लग रहा था, महसूस हो रहा था. और जैसे ही आपने बोला कि पाम से आप अपने वाइब्रेशंस को आंख पे रखिए, वैसे ही पूरे बॉडी में ऐसा लग रहा था कि पूरे बॉडी में एनर्जी पास हो रही है.
मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और अभी भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बहुत हल्का और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ओके वाओ। इसलिए ऐसा लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा थ्रोट चक्रा मुझे ऐसे थोड़ा खराश थी या इरिटेशन सा लग रहा है थोड़ा बहुत। आपको थ्रोट चक्र में कोई दिक्कत होती है? आपको बोलने में दिक्कत होती है, कम्युनिकेशन में लोगों से? हाँ मुझे होती है प्रॉब्लम और मुझे थायराइड का भी प्रॉब्लम है। हाँ, तो कम्युनिकेशन जितना आप यहाँ पे अभी हीलिंग करेंगे, जितना अच्छा हीलिंग करेंगे उतना अच्छा आपको फील होगा।